फिगर्स के बारे में बताए थे, जब हम लोग पढ़ लिए थे पूरा वहां तक आपका लैरिंग्स तक पढ़ लिए थे, लैरिंग्स में पढ़े थे कि सात प्रकार का जो है ना ओपनिंग था, वो जो सात प्रकार के ओपनिंग थे उन ओपनिंग के बारे में हम लोग जान लिए थे कि कौन कौन सा ओपनिंग था और कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग ओसोफेगस में आए थे, ओसोफेगस के बारे में वहां पर हम बताए थे कि ये लॉन्ग होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, करीब 25 सेंटीमीटर का होता है और ये मस्कुलर आपका ट्यूब होता है, ये आपका ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है, ध्यान रखना है, और ये स्टोमक में खुलता है जाकर किसके थ्रू, नेक के थ्रू, नेक के थ्रू जाता है, नेक से पार होता है जाके और डायफ्राम को पियर्स करता है, छेद करता है, डायफ्राम को छेद करके ये जाकर अंततः खुल जाता है किसमें, स्टोमक में। देखो जब ओपनिंग है ओसोफेगस का स्टोमक में उसको कार्डिया कहते हैं, ठीक है, जहां पर ओसोफेगस स्टोमक में खुलेगा उसको कार्डिया कहेंगे और ये जो कार्डिया होता है ओसोफेजियल स्फिंक्टर के द्वारा वो क्या होता है, गार्डेड होता है। कैसा होता है, क्या होता है, वो अभी हम एक फिगर से आपको बताएंगे और फिगर आप देख सकते हो। इसके बाद इसका काम क्या है भाई, इसका जो फंक्शन है वो ये क्या करता है, फूड को ले जाता है फेरिंग से कहां पर, स्टोमक में, और इसीलिए इसको हम लोग फूड ट्यूब या फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, किसको भाई, ओसोफेगस को, फूड पाइप या फूड ट्यूब। नेक्स्ट बात कर रहे थे स्टोमक का, स्टोमक जो होता है वो थिक वाल होता है, मस्कुलर होता है, जे सेप्ड या सी सेप्ड कह सकते हैं इसको, हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रहता कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट डायफ्राम के आपका नीचे रहता है और आपके पेट में लेफ्ट साइड की तरफ होता है, बाएं तरफ होता है। इसकी जो लंबाई होती है करीब 10 सेंटीमीटर होती है और ये आपके गट का एमिल्टी कैनाल का सबसे चौड़ा जो है ना हिस्सा होता है। ये काफी ज्यादा फैल सकता है और काफी ज्यादा सिकुड़ सकता है। सामान्य रूप से ये जो है ना 100 ml एरिया रखता है, वॉल्यूम रखता है, लेकिन जब इसमें हम इसमें जब हम डालना चाहेंगे तो 4 लीटर तक भोजन इसमें आ सकता है। हाँ, करीब करीब जो है ना वो 4 से 4 लीटर से भी ज्यादा भोजन, मतलब एक गैलन जो है ना इसमें आराम से भोजन आ सकता है। इसमें भाई आपका स्टोमक में सोच लो कितना फैल सकता है, और इसका फैलने का ये जो क्षमता होता है इसलिए होता है कि इसमें लंबाई में जो है ना ढेर सारा फोल्ड्स होता है जिसे रूगी कहते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा हो कि ये सब रचना है क्या, कैसा होता है, तो हम इसको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले इसको हम इस स्लाइड में एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो आपका स्टोमक है वो आपका 3 भाग में बटा होता है, फंडस, बॉडी और पाइलोरस पार्ट। तो वहां तक हम जाएं उसके पहले थोड़ा सा जो है ना एक रचना इसको देख लो। ये आपका स्टोमक का स्थिति है, स्टोमक में आप ये देख रहे होंगे, देख रहे हो ये आपका इधर से ओसोफेगस आया है और ओसोफेगस जो है ना वो आकर आपको क्या किया है, ओसोफेगस आकर आपके स्टोमक में खुला है, ठीक है। ये जो ओसोफेगस है ये जो आपके स्टोमक में खुला है, यहां पर ये जो बोले कि स्टोमक में जो आके खुला है ओसोफेगस, यहीं पर ये कार्डिया है, कार्डिया, तो कार्डिया के बारे में हम आपको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। यहां पर देखिए ये आपका ये जो आपका कार्डिया का रीजन ये है, ये कार्डिया का रीजन है जिसमें ओसोफेगस आकर खुला है किसमें, स्टोमक में। देखो कार्डिया जहां पर खुला है ना उससे ऊपर भी कुछ भाग है इसका, किसका, स्टोमक का। देखो ये इतना दूर जो है ना ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ये जो आपका उभरा हुआ भाग है, ऊपर की तरफ निकला हुआ भाग है, इसको फंडस बोल रहे थे। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बॉडी बोल रहे हो, और ये जो नीचे में ये है पाइलोरिक भाग है, ये पाइलोरिक भाग, ये सब बॉडी का हिस्सा है, ये पाइलोरिक भाग है, ठीक है। और इसी पाइलोरिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा इसमें हम बता रहे थे कि ये जो होता है काफी ज्यादा फैल सकता है और सिकुड़ सकता है, ऐसा कुछ बताए थे। देखो अंदर में ये देख रहे होंगे कुछ आपको फोल्ड निकलने लग रहा है, कुछ वर्म जैसा लग रहा होगा, कीड़ा जैसा लग रहा होगा, ये रियली में कीड़ा नहीं है भाई, ये क्या है, ये जो ना फोल्ड है आपका स्टोमक का फोल्ड है ना, आपका जो स्टोमक होता है ना उसका ये फोल्डिंग है। ये आप लोग ऐसा फोल्डिंग कैसे होता है,
तो छाता आपके पास होगा, अभी बरसात का मौसम है, हमारे पास छाता जो होता है वो छाता में देखे होंगे कि वो जब उसको हम फोल्ड करते हैं, जब उसको हम लोग कम करते हैं तो छाता क्या होता है उसका डायमीटर कम हो जाता है, लेकिन उसमें जो आपका उसका कपड़ा होता है वो आपका श्रिंक करता है और फोल्ड्स बनाता है। कुछ हद तक आपका जो स्टोमक है उसके अंदर भी यही फोल्डिंग है। ये जो है ना, इसको वर्म मत समझना, कीड़ा मत समझना या भरा हुआ कुछ रचना मत समझना, ये इसके दीवाल को दिखा रहा है और वाल जो है उस पर ढेर सारा ये फोल्ड है, इसी को रोगी कर रहे थे, है ना। ये जो फोल्ड है ये क्यों है, क्योंकि ये क्या हुआ है, श्रिंक किया है, सिकुड़ा है, और ये जब फैलेगा ना तो पूरा टाइट हो जाएगा। तो ये इसमें हम आपको बताए थे कि 4 लीटर तक भोजन को रख सकता है, 100 ml से शुरू होता है, समांतर रूप से 100 ml में काम चल जाता है इसका, लेकिन ये 4 लीटर तक भोजन रख सकता है। खाना कैसे है ये आप पर निर्भर करता है, भोजन इसमें आप 4-4 लीटर तक रख सकते हैं। उसके बाद इसमें देख लो, इसका जो आपका ये आपका बॉडी था, बॉडी पर देख लीजिए कुछ मसल्स लेयर है, सर्कुलर, ऑब्लिक और लॉन्गिट्यूडनल, 3 प्रकार के जो है ना मसल्स इसमें काफी ज्यादा होते हैं, मजबूती से इसमें होते हैं। कौन कौन है, लॉन्गिट्यूडनल है मतलब लंबाई में ऐसे है, ठीक है, सर्कुलर है मतलब गोलाई में है, और देखो ये ऑब्लिक है, तिरछा तिरछा, देखो ये ऑब्लिक है, ये सर्कुलर है और ये इलॉन्गेटेड वाला है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये जो आपका तीनों है, ये तीनों के मिलने के कारण इसमें क्या होता है, ऐसे चर्निंग मूवमेंट होता है ना, ये चर्न करता है, ये मूव करता है। चर्निंग मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, इसमें चर्निंग मूवमेंट होने के कारण भोजन जो होता है उसका मैकेनिकल डाइजेशन में मदद मिलता है। तो ये आपका स्टोमक का बात फिर से हम आपको ठीक से समझा दे रहे हैं, समझ लो स्टोमक जो है उसका दीवार पर 3 प्रकार के जो है ना आपके मसल्स लेयर होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है जो लंबाई में होता है ऐसे, फिर क्या बोले ऑब्लिक है, तिरछा है, ठीक है, और क्या बोले उसके बाद देख लो उसमें आपका सर्कुलर है, गोलाई में है, यहां पर देख रहे होंगे ये जो है ना एक कटा हुआ रचना है, ये रियली में आपका वो मरा हुआ आदमी जो है ना उसके उसका जो पोस्टमार्टम जब होता है तो फोटो लिया जाता है, उसी का ये रचना है। देखो उसका स्टोमक का अंदर का स्थिति ये है, और इसको हम डायग्राम रूप में ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसमें देख रहे हो अंदर में ढेर सारा फोल्ड्स है, इसी फोल्ड्स को ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो फोल्ड्स है ना वो छाता की तरह मुड़ने से हुआ है, इसी को रुगी बोल रहे थे। तो आपको हम क्या क्या यहाँ पर बताए कि ओसोफेगस जब खुलता है स्टोमक में तो जहां पर खुलता है उसको कार्डिया कहते हैं, हाँ स्टोमक में कार्डिया का ऊपर का जो पार्ट होता है स्टोमक का उसको क्या बोलते हैं, फंडस, इसमें मुख्यतः गैस भरा होता है, हाँ। उसके बाद नीचे ये जो मेन पार्ट है ये इसको बॉडी कहते हैं, और ये जो पोस्टीरियर रीजन का पार्ट है इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, हाँ। अब हम अगला बात आपको करें फिगर में, तो उसको डायग्राम रूप से अपने हम लोग जो बनाएंगे ऐसा कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं डायग्राम रूप में समझने के लिए, रियली में कैसा होता है वो आपको हम दिखाए हैं। ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर देखो कार्डिया हो गया जहां पर खुला है, ये फंडस जो ऊपर का पार्ट है, ये बॉडी है, ये रुगी आपको दिखा दिए, और ये पाइलोरस का भाग है, ठीक है भाई। अब अगर हम थोड़ा सा और जाएं ऊपर में इसका पार्ट को दिखाने के लिए, तो साफ साफ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कार्डिया से ऊपर का पार्ट फंडस हो गया, ये कार्डिया जहां से खुला है उसके नीचे और जहां से ये श्रिंक किया है उसके बीच का जो रीजन है ये मेन पार्ट, इसको बॉडी कहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट को भी 3 भाग में बांटते हैं, हाँ। जो ऊपर में डायलेटेड भाग था जो आपका जिसमें बॉडी आके खुल रहा था उसका नाम था पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। उसके नीचे जो है ना ये पतला सा नलीनुमा रचना है जिसको पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, और एक सबसे अंतिम जो छोर होता है पाइलोरिक पार्ट का उसका नाम है पाइलोरस। पाइलोरस क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमक बोलो या ओपनिंग ऑफ स्टोमक बोलो या फिर पाइलोरिक पार्ट बोल सकते हो, किसमें, डियोडनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां से डियोडनम शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको हम कुछ हद तक कुछ फिगर से इसको क्लियर कर रहे थे। अगर आपको ऐसे देखना है कि इसमें थोड़ा सा जो है ना हम इसमें और दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखो ये स्टोमक का डायग्राम है ना, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये जो है ना यहां से ऐसे ओसोफेगस आया था आके इसमें जुड़ा है, और देख लो ये जो है ना साफ क्लियर है ऐसे ऊपर में इतना दूर, ये फंडस का भाग है, ठीक है,
फंडस के बाद आप आगे बढ़ो तो इसमें आप देखते हो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये बॉडी है, इसी में आपका मेन जो है ना डाइजेशन का भाग होता है, पार्ट होता है, इसमें काम होता है। और इसके दीवार पर क्या होता है, ढेर सारा जो है ना आपके मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ऑब्लिक मसल, सर्कुलर मसल, तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। और ये तीनों जो है ना चर्निंग मूवमेंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है ये पूरा ऐसे ऐसे मूव करता है, तो मैकेनिकल और यहाँ पर केमिकल डाइजेशन होता है। यहाँ पर देखिए नीचे में आए हैं, यहां से ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये जो रीजन देख रहे हो यहां से, ये जो रीजन है ये पाइलोरिक रीजन का भाग है, ठीक है। और देखो ये सी शेप भी बोल सकते हो और जे शेप भी बोल सकते हो। तो ये जो है ना ये आपका एक फिगर से आप देख सकते हो, एक एक जो है ना आपके पास क्या है, एक मॉडल है किसका, ओसोफेगस का। तो ये आपको हम ये आपका स्टोमक का, तो ये आपका स्टोमक का एक मॉडल का बारे कर रहे थे। अब इसमें हम आपको क्या बताए कि ये काफी डिस्टेंसिबल है, काफी फैल सकता है, काफी सिकुड़ सकता है। तो आपके मन में आता होगा कि अभी हम इसका मतलब कि हम कम खाना से भी काम चला सकते हैं और ज्यादा खाना भी खा सकते हैं। हाँ जी, आप अगर चाहो तो आप 100 ग्राम से काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो, चूंकि वॉल्यूम है तो हम लोग लीटर में लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो 100 ml से भी काम चला सकते हो, और अगर आप चाहो तो 4-4 liter तक आप खा सकते हो। हाँ, मतलब करीब करीब अराउंड 4 kg तक, 3.5 से 4 kg तक खा सकते हो। आप लोग कैसे खा सकते हैं, तो देखो ये जो दीवार देख रहे हो स्टोमक का जिसपे रोगी है, ये फैलता जाता है, इवन इतना ज्यादा फैल जाता है कि आपके पूरे पेट से होते हुए ये नीचे तक जा सकता है, मतलब कमर के रीजन तक, पेल्विक रीजन तक फैल सकता है। तो आप बोलेंगे खाए कैसे, खा तो पाते नहीं है। तो हम तो कई बार बच्चों को बोलते हैं कि देख भाई पार्टी वगैरह में जाता है, अब वहां पर पैसा दिया होगा, पैसा अगर वसूलना चाहते हो तो क्या करना, थोड़ा सा फास्ट खाना, तेजी से खाना, और कोशिश करना शुरुआत में कुछ नमकीन खाएं, मीठा ना खाएं, ठीक है। मीठा जब हम खाते हैं तो ये स्टोमक का जो अंदर का ये दीवार है उस पर क्या होता है, वो आपका फैल जाता है। जब वो फैल जाता है उसके दीवार पे, तो क्या होता है आपके मस्तिष्क पास यहाँ से खबर जाता है कि पेट हमारा भर चुका है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप खाना के शुरुआत में मीठा ना खाएं, आप थोड़ा सा तीखा या फिर जो है ना आपका नमकीन खाएं। तो इसलिए जब कोई आपके घर में आता है उसको अगर आप जो है ना वो नमकीन दे देते हो खाने के लिए, हाँ मिक्सर दे देते हो, तो सोचो उसको और ज्यादा भूख लग जाएगा, बेचारा और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये स्टिमुलेट करता है आपके पूरे इसके सेंसरी सेल्स को, और वो जो है ना खबर भेज देता है ब्रेन को कि ये पूरा इम्पटी है, बेचैनी बढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो ज्यादा खाने का यही उपाय है कि तेजी से चबाते हुए क्या करते जाए, खाते जाए। अब बहुत ज्यादा खाना खा लिए, किसी पार्टी में गए और करीब करीब 1-2 kg मार लिए हैं, तो कैसे उसको पचाए। तो उसके पचाने के लिए सबसे पहला जो आपका बात करना आप लोग, वो ये करना कि आप कोशिश करना पानी न पिए, ठीक है, तुरंत पानी न पिए, और खाना खाने वक्त भी पानी न पिए। खाना खाने के बाद आप वहां पर देखना, कोई अगर ठंडा वगैरह होगा जैसे पेप्सी को कोला वगैरह है तो उसको मार लो ना, वो क्या करता है वो जाकर अंदर में इसमें जो है ना इसको पचने में जल्दी से मदद करेगा। लेकिन ऐसे अगर आप नॉर्मल रूप में हमसे पूछोगे कि पेप्सी को कोला वगैरह पीना चाहिए क्या, तो नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होता है, इसका जो दीवार होता है उसके दीवार पर इरोडेशन क्या होता है, यो उसको इरोड करता है, उसको ये इसको खरोचता है, इरोड कर देता है, जिससे आपका क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, घाव हो सकता है, स्टोमक के जो दीवार है उस पर घाव हो सकता है। आप ऐसे समझ लो, ये जो आपका जो भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो इतना खतरनाक होते हैं कि शायद आप जानते भी होंगे कि अगर उसको जो है ना कितना भी गंदा कपड़ा हो जिसमें दाग नहीं छूट रहा हो उस पर अगर डाल देना तो उसको साफ कर देता है वो एकदम। तो खैर, हम आपको क्या बोलना चाह रहे थे, स्टोमक का फंक्शनिंग कैसे है, स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टोमक का आपका बारे में हम आपको बता दिए, स्टोमक के बारे में कुछ हद तक समझा भी दिए। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। तो स्टोमक जो था उसका ऊपर का जो पार्ट था उसका नाम आपको फंडस बताए, ये कॉन्वेक्स होता है और ये कार्डिया के ऊपर पाया जाता है। इसमें क्या बताए, इसमें आपका गैसेस पाया जाता है, इसमें गैस भरा होता है। अगला है बॉडी, इसलिए जब हम ज्यादा खाते हैं या खाना जब हमारा पेट भरने लगता है तो ढका रहता है,
ये जो डकार का बात है ये क्यों आता है, तो फंडस के रीजन में जो गैस भरा होता है वो क्या होता है, उस पर जब दबाव पड़ता है, भोजन हम ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकलता है और सुपेगस से होकर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कार्डिया बता रहे थे, यहाँ पर क्या होता है, स्फिंक्टर मसल होता है जो इसके ओपनिंग को बंद कर देता है। तो समान रूप में इसमें जो भी हम खाते हैं और जो एसिड वगैरह निकलता है वो आपका ओसोफेगस में नहीं जाता है, लेकिन कई बार हम बहुत ज्यादा जब खा लेते हैं, फंडस का ऊपर का रीजन भी जब भरने लगता है और तब क्या होता है, इसमें ये लीक कर जाता है, जो एसिड इसमें निकला है HCl वगैरह वो क्या होता है, लीक कर जाता है और ओसोफेगस में चला जाता है। तो यहाँ पर एक बर्निंग सेंसेशन होता है, जलने का अनुभूति होता है, इसी को हर्ट बर्न कहते हैं। तो हर्ट बर्न क्या है, कार्डिया के पास जब ओसोफेगस में जब थोड़ा बहुत चला जाता है वो आपका क्या एसिड, तो तब क्या होता है, हर्ट बर्न होता है। और ये कुछ हद तक कई बार हार्ट अटैक के जैसा ही बिहेव करता है या बर्ताव करता है, तो लोगों को आभास होता है कि शायद हमें हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन हम आपको फिर बोल रहे हैं कि आप लोग जो है ना, ज्यादा खाना अगर खाते हो तो कोशिश यही करना, पानी ज्यादा ना पिए। तो आप बोलोगे सर अगर हार्ट बर्न हो रहा होगा तो क्या करना चाहिए, हार्ट बर्न अगर हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब क्या बोले आप, कुछ चम्मच पानी पी सकते हो, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो एसिड बार बार चढ़ जा रहा है उसको नीचे करेगा और वो जो है ना कोशिश करना चाहिए कि सीधा बैठ जाए, क्योंकि लेटेंगे हम तो क्या होगा, इस पर दबाव पड़ेगा तो ये जो है ना, ये आपका इससे इसमें ये जो एसिड है या एसिडिक जो भोजन इसमें है किसमें, स्टोमक में, वो इसमें जाएगा। और जिनको बार बार हर्ट बर्न हो रहा है उनको तेलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए, मतलब वैली जो है ना मटेरियल्स कम खाना चाहिए, ठीक है। और तो और प्रोटीनस पदार्थ भी कम खाना चाहिए, जैसे आपका पनीर है ना, हाँ थोड़ा कम खाएं, फिर मांस वगैरह जो है ना वो कम खाएं, इस नहीं तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये रीजन जो है ना यहाँ पर जलन होते होते ये अंतः यहाँ पर अल्सर हो जाएगा और आपका आपको जो है ना हमेशा के लिए दिक्कत हो जाएगा खाना खाने वगैरह में, इवन यहाँ ऑपरेशन करना पड़ जाता है, बाद में इसको हटाना पड़ता है, काट के यहाँ पर जो है ना दूसरा पाइप जोड़ना पड़ता है या छोटा करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम जो है ना भोजन समय से करें, और जब भी भोजन करें तो यहाँ पर बायां की तरफ सोएं, लोग ऐसा बोलते हैं बायां तरफ सोना चाहिए, तो बायां तरफ क्यों सोना चाहिए, बायां तरफ इसलिए सोना चाहिए कि ये जो देख रहे होंगे आप, ये जो है ना बायां की तरफ ऐसे है, इस तरह का होता है ये, बायां की तरफ ऐसे होता है, ठीक है। अब अगर बायां सोएंगे तो स्टोमक आपका ऐसे रहेगा, स्टोमक जब ऐसे रहेगा तो ये जो निचला ओपनिंग है जिसको हम लोग पाइलोरस कह रहे थे वो, और ऊपर में कार्डिया जो है उसका ओपनिंग जो है स्फिंक्टर मसल्स का, ये दोनों पर दबाव कम होगा। जब दबाव कम होगा, दबाव कम होगा तो भोजन लीक कम करेगा या ना के बराबर करेगा, तो ये जो है ना आप इसमें भोजन आराम से ज्यादा देर तक रहेगा और पच पाएगा ठीक से। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम जब भी भोजन करें तो बायां तरफ क्या हो, लेट जाएं। और दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम भोजन करें तो साथ में पानी न लें। पानी लेने से क्या होता है कि इसके अंदर में जो है ना HCl या पेप्टिक जूस वगैरह जो निकलता है वो आपका कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। आप 10th वगैरह में या फिर जो है ना आपने 11th या 12th के क्लास में जो है ना जो पास आउट बच्चे हैं वो पढ़े होंगे ये बात को, कि जब हम एसिड में क्या मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं तो उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसका कंसंट्रेशन को कम करते हैं, और जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो उसका काम करने का क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि भोजन करते समय पानी न लें। हम आगे बढ़ते हैं, तो अब पार्ट पर आ रहे थे, तो इसका पहला पार्ट कौन हो गया, फंडस, दूसरा हो गया बॉडी, तीसरा हो गया पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। ये जो बॉडी है ना उसी में आके कार्डिया खुलता है, ध्यान रखिएगा, पूछता है कि ओसोफेगस जो है ना किसमें खुलता है, फंडस में कि बॉडी में कि पाइलोरिक पार्ट में, तो कभी भी आप फंडस में मत बोलना, फंडस जो है ना उसके ऊपर का रीजन है, हाँ किसके ऊपर का रीजन है, वो आपका जहां पर कार्डिया खुला है ना उसके जस्ट ऊपर का रीजन को हम लोग फंडस बोलते हैं। ये जो कार्डिया खुला है उसके नीचे का जो रीजन है ना ये बॉडी में खुला है, देखो ये बॉडी है, पूरा का पूरा बॉडी है, ये बॉडी में खुलता है आके कार्डिया या आपका ओसोफेगस, ध्यान रखिएगा। आगे जब बढ़ते हैं हम, तो ये जो पाइलोरिक पार्ट था उसको हम बताया कि पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट था, इसको तीन भाग में बांटा जा सकता है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम यहाँ पर बनाया है, देखो पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है,
उसके बाद दूसरा कौन हो गया पाइलोरिक कैनाल और तीसरा कौन हो गया पाइलोरस। हाँ तो पाइलोरस हो गया। ये जो है पाइलोरिक एंट्रम जो है एंटीरियर डायलेटेड पार्ट है जबकि पाइलोरिक कैनाल जो है ना नैरो मिडिल पार्ट है। पाइलोरस के बारे में थोड़ा सा लिखे हैं नीचे कि ये जो है ना पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है और ये डियोडनम में खुलता है। ये गार्डेड होता है किससे पाइलोरिक स्फिंक्टर से। अब हम फंक्शन ऑफ स्टोमक का बात करते हैं। स्टोमक का अगर फंक्शन का बात अगर करें तो हम इसमें देखेंगे कि ये सबसे पहला इसका जो काम है वो है भोजन को टेम्पोररली स्टोर करना। हाँ अस्थायी रूप से भोजन को रखना, इसलिए इसको स्टोरेज टैंक भी बोलते हैं। फूड स्टोरेज टैंक बोल सकते हो या स्टोरेज टैंक बोलते हैं। इसका काम दूसरा क्या है कि भोजन का पार्शियल डाइजेशन करता है। कुछ लोग लिख देते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, नहीं ये गलत है। डाइजेशन ऑफ फूड जो है ना पूरी तरह से यहाँ पर नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल डाइजेशन होता है, ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ना क्या करता है डाइजेशन करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड करता है और ये दोनों प्रकार का यहाँ पर डाइजेशन होता है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। अभी आपको हम बताएं कि मैकेनिकल भी करता है और केमिकल भी करता है। मैकेनिकल में कैसे करता है तो इसके जो वाल था, वाल पर करीब जो है ना तीन प्रकार के आपके मसल्स होते हैं मेनली। एक होते हैं कौन, एक कौन था लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में, दूसरा कौन था सर्कुलर गोलाई में या आपका डायमीटर में, और तीसरा ऑब्लिक था तिरछा तिरछा ऐसे। तो ये तीनों मिलकर इसमें क्या करता है चर्निंग मूवमेंट करता है, इसको ऐसे ऐसे मोड़ता है, हाँ मैसता है। तो जिससे क्या होता है आपका जो है स्टोमक के अंदर जो भोजन के पार्टिकल्स थे वो बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते हैं। नेक्स्ट स्टोमक जो है ना आप दूसरे मैमल्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। मनुष्य का तो हम लोग समझ ही गए, दूसरे मैमल्स का अगर बात करोगे तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है ना आपका पाया जाता है रूमिनेंट में। रूमिनेंट कहते किसको है तो देखो वैसे एनिमल्स को हम लोग रूमिनेंट कहते हैं, वैसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट कहते हैं जो कैसा होता है भाई, वो आपका जो भोजन को निगल जाता है खाने के समय और निगल के और उसके बाद जब आपका कुछ समय हो जाता है उसके स्टोमक में तब उस भोजन को पुनः वो क्या करता है लेता है लाता है स्टोमक से माउथ में या बकल कैविटी में और उसको चबाता है। ठीक है तो कर्ड कर्ड बोल रहे हैं मतलब निगल जाने वाला, खा के निगल जाने वाला और निगल के फिर से जो है ना माउथ में ला के और उसको चबाने वाला, उसी को बोलते हैं कर्ड चीविंग मैमल्स, जिसका कॉमन एग्जांपल है कैटल। कैटल समझ रहे हो ना, गाय को बोल रहे है ना, गाय का जो प्रजाति है उसको, गाय का जो जाति है उसको कैटल बोल रहे हैं। इसमें भैंस वगैरह मत लिख देना, हाँ तो बकैल हो जाएगा वो। तो जो यहाँ पर कैटल का मतलब मेनली हम जो है ना ये बता रहे हैं कि जिसको हम पाल रहे थे, इसमें ऊंट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगा, लेकिन कैटल का ऐसे मतलब होता है गाय से, गाय का जाति से। अगला बात जो हम करते हैं, जो स्टोमक होता है कैटल का वो आपका चार चैम्बर में क्या होता है डिफ्रेंशिएटेड होता है। एक र्यूमेन है, दूसरा रेटिकुलम है, तीसरा एबोमेसम है और चौथा ओमेसम है। ये जो है इसका फिगर नीचे के क्लास में भी आपको पढ़ना था। ठीक है आप जब इस पे जाओगे या गए होंगे तो देखे होंगे कि इसमें जो आपका अलग अलग पार्ट्स है वो आपका अलग अलग काम करता है। जैसे हम बात करते हैं र्यूमेन और रेटिकुलम का, र्यूमेन और रेटिकुलम जो होता है उसमें फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है। फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का मतलब वैसा बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करता है, और इसलिए इन दोनों को र्यूमेन और रेटिकुलम जिसमें पहले भोजन जाता है इन दोनों को हम क्या कहते हैं फर्मेंटेशन वैक्स कहते हैं, चैम्बर। वैक्स का मतलब चैम्बर। ठीक है तो फर्मेंटेशन वैट कहते हैं इन दोनों को, र्यूमेन और रेटिकुलम को। इसका कारण क्या है कि इसमें फर्मेंटिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वो भोजन को तोड़ता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़कर सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और इसीलिए यहाँ पर मीथेन निकलता है। जहाँ भी फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा समानता वो क्या करता है मीथेन या CO2 निकालता है। तो यहाँ पर जो होता है वो CO2 और CH4 निकालता है। इसी के चलते शायद आप जानते होंगे ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बात आया था तो भारत पर जो है ना, भारत और चीन में बहुत ज़्यादा जो है ना जानवर है, तो अमेरिका और जो यूरोपियन देश थे उन्होंने जो है ना, शायद आप जानते होंगे भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाले जो जानवर है ना सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है सबसे ज़्यादा संख्या में दूध देने वाले जानवर हैं। ठीक है
और इसीलिए अमेरिका या यूरोपियन देश का कहना था कि भारत को और चीन को जो है ना इस पर रोक लगाना चाहिए, इसके लिए कुछ टैक्स देना चाहिए। तो वहां पर जो है ना हंगामा हुआ था कि विकासशील देश है इसलिए इनको कुछ छूट दिया जा सकता है। शायद आपको जानकारी सर्च होगा, हमारे देश में जो है ना सबसे ज्यादा CH4 और CO2 दो जगह से निकलता है। एक तो निकलता है धान के खेत से, धान का खेत में जो हम पानी भरते हैं जमा करते हैं, वहां से जो है ना क्या होता है, जब पानी जहां भी जमा रहेगा वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप होता है ज्यादा। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन शुरू कर देता है, वहां पर वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेगा तो CH4 बनाना ज्यादा शुरू करता है। तो जिसके चलते जो है ना ये जो धान का खेती अभी जो हम लोग करते हैं उस समय मीथेन का मात्रा जो है ना बढ़ता है। और दूसरा बढ़ता है आपके जानवरों से, जानवर जो होता है उसका स्टोमक में, अभी हम आपको बता रहे थे कि चार चैम्बर होता है उसमें से ह्यूमन और रेटिकुलम में जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है वो आपका क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, जिसके चलते हमारा जो है ना जो कैटल होता है वहां पर CO2 और CH4 जो है ना उसके बॉडी से निकलता रहता है, हाँ डाइजेस्टिव पार्ट से निकलता रहता है। तो आप अगर अपने घर में, गांव में या घर में जो है ना अगर आप रखे हुए हैं गाय को, तो देखना अगर रूम जिस रूम में वो रहता है ना, अगर उसको दरवाजा बंद करके रखे हैं रात में और सुबह जाते होंगे तो पूरा गर्म नजर आता, गर्म लगता है। ये गर्म होने का कारण क्या है, तो CH4 जो है ना वहां पर और CO2 भर गया है। अगला जो बात हम करते हैं कि कैमल जो होता है उसमें ओमैसम नहीं होता है। अभी क्या पढ़े हम लोग, चार चैम्बर पढ़े, ह्यूमन, रेटिकुलम और क्या, ओमैसम और एबोमैसम। तो ये इसमें से ओमैसम जो होता है कैमल्स में नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन और रेटिकुलम जो होता है कैमल्स का उसमें वाटर सेल्स होते हैं। और वाटर सेल्स है क्या, रियली में पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें मेटाबॉलिक वाटर होता है। आप लोग में से कुछ बच्चों को शायद मालूम होगा मेटाबॉलिक वाटर कहते किसको है और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मेटाबॉलिक वाटर एक सामान्य वाटर जो हम पी रहे थे, और यहां पर बात आ रहा है मेटाबॉलिक वाटर का। मेटाबॉलिक वाटर क्या है, मेटाबॉलिज्म के चलते मतलब कंपाउंड के टूटने के चलते आपके सेल या बॉडी के अंदर जो आपका वाटर निकलता है उसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो ये जो है ना डाइजेस्टिव प्रोसेस में या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में निकलता है जो वाटर उसको कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। हम डाइजेशन जब पढ़ेंगे तो आगे भी आएगा, और तो और जब हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री तो वहां भी आता है। तो मेटाबॉलिक वाटर का मतलब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटता है तो वहां पर जो है ना वाटर निकलता है, वो जो वाटर निकलता है उस वाटर को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान या बायोकेमिकल एक्टिविटीज के दौरान हमारे बॉडी में जो निकलता है वाटर उसको कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो इस मेटाबॉलिक वाटर को स्टोर करता है कौन, कैमल का जो आपका स्टोमक होता है वो आपका स्टोर करता है। और उसमें जो है ना कौन स्टोर करेगा, ह्यूमन और रेटिकुलम में स्टोर होता है। अब ये जो मेटाबॉलिक वाटर है इसका यूज क्या करता है, तो आप सुनते होंगे कि कैमल जो होता है ना वो आपका कई दिन तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है। आपको एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल वाटर पीता है वो उसमें मिनरल्स होता है काफी मात्रा में, लेकिन ये जो मेटाबॉलिक वाटर होता है उसमें मिनरल्स नहीं होता है, ये एकदम प्योर वाटर होता है। आगे बढ़ते हैं कि जो एबोमेसम होता है सबका, ये जो भी कैटल्स के बारे में बता रहे थे, कैमल्स है या फिर बफेलो वगैरह जिसके भी बारे में करें, उन सबका ह्यूमन और रेटिकुलम में क्या बता रहे हैं आपको, बैक्टीरिया पाया जाता है जो उसको फर्मेंटेशन करता है। एक चीज यहां पर और अंतर क्या बताया, कैमल्स में ओमेसम नहीं होता है, लेकिन बाकी जो है आपके जानवर जिसमें आपका पाया जाता था ये चार चैम्बर, उसमें एबोमेसम जो होता है ना उसमें डाइजेस्टिव सेल्स होता है और ये ट्रू स्टोमक जैसा बिहेव करता है। तो रियली में हमारा जो स्टोमक जैसा है वैसा स्टोमक का जो पार्ट है वो आपका कैटल्स वगैरह में सिर्फ और सिर्फ एबोमेसम है, बाकी जो है ना वो आपका हमारे 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 स्टोमक से अलग हटके होते हैं। अब हिपोपोटामस का बात कर लो और एक भेल का बात कर लो, इसमें कई चैम्बर्स होते हैं। हिपोपोटामस आप समझते होंगे दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं, और व्हेल्स उसमें कई चैम्बर्स होते हैं। दरियाई घोड़ा जो है ना कई बार जो है ना वो क्या करता है, बॉल को निगल जाता है और बॉल को निगल के बेचारा मर जाता है। कारण क्या है कि उसका जो है ना आपका स्टोमक जो है ना कई चैम्बर्स वाले होते हैं, और ज्यादा चैम्बर्स वाले होने के कारण क्या होता है, जाके बॉल वहां पर वो फंस जाता है ज्यादा। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आओ, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्ग क्वायर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और पाइलोरस के जस्ट नीचे से शुरू होता है।
पाइलोरस अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो देखो, पाइलोरस जहां पर समाप्त हो रहा था या पाइलोरस था, उसके जस्ट नीचे में डियोडिनम शुरू हुआ था। डियोडिनम जो है ना, डियोडिनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है, आपको हम बताए थे कि पूरा का पूरा जो आपका लंबाई है उसमें आपको हम वेरिएशन बताए थे कि मरा हुआ व्यक्ति जो है उसका आपका लंबा होता है, लेकिन हम लोगों में क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। अब जब यहां से बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर बात करते हैं, तो आपका जो लेंथ होता है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो 6 से 7 मीटर होता है, अर्थात ये आपके गट का सबसे लंबा पार्ट है। ये तीन भाग में इसको फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है डियोडिनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। डियोडिनम जो होता है वो सी शेप्ड होता है, अभी हम लोग देखे हैं। ऐसे आपको हम पहले भी एलिमेंट्री कैनाल का फिगर जो है ना दिखाए होंगे, थोड़ा सा हम डियोडिनम का बात कर लेते हैं। ये डियोडिनम है, यहां से खुला, कहां से खुला, जहां पर पाइलोरस खत्म हो रहा है वहां से ये खुला है, और देखो सी शेप्ड है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ब्रॉड भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बोल रहे हैं, ऐसे आपका पूरे इंटेस्टाइन में सबसे जो है ना चौड़ा इलाका कौन है, तो आपका स्टोमक है। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना आपका ब्रॉडर इलाका जो है ना वो कौन होता है, डियोडिनम होता है। डियोडिनम में आप देख रहे होंगे कि कुछ रचना है, काट के यहाँ पर दिखाया गया है। डियोडिनम आपके बॉडी का या डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट में एक सबसे एक्टिव साइट होता है। हम जो डाइजेशन के लिए सबसे मोस्ट एक्टिव साइट का अगर बात आएगा, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है ये बात नहीं बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा डाइजेशन होने के लिए जो है ना गतिविधियां जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, डियोडिनम में। और ये भोजन को काफी हद तक पचा देता है, डियोडिनम से जब जेजुनम में भोजन जाता है तो काफ़ी हद तक भोजन डाइजेस्ट हो चुका है होता है, थोड़ा बहुत जो बचता है उसका पाचन जेजुनम में हो जाता है। यहाँ पर जब हम डियोडिनम में देखते हैं तो डियोडिनम में ज़्यादा पाचन बढ़िया से क्यों होता है, लोग पूछते हैं कि डियोडिनम को एक्टिव मोस्ट एक्टिव साइट फॉर डाइजेशन क्यों कहते हैं। तो डियोडिनम में देखो, एक तो भोजन जो है ना कुछ स्टोमक से पचकर आया था, स्टोमक जो था ना वहाँ पर क्या था, एसिडिटी था ज़्यादा, वहाँ वो एसिडिक था, हाईली एसिडिक होता है, वहाँ पर जो पीएच मान होता है वो आपको शायद मालूम होगा, वो करीब करीब 2 से जो है ना कितना होता है, 1.5 से लेकर 3 तक होता है। हाँ, आप पीएच मान जानते होंगे शायद, पीएच मान के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। पीएच मान क्या होता है भाई, तो पीएच मान में जो है ना वो आपका एच प्लस आयन की मात्रा बताया जाता है किसी लिक्विड मीडियम में, है ना, या किसी मीडियम में। तो यहाँ पर जो है ना हाईली एसिडिक था स्टोमक में, जब हम इसमें आते हैं, डियोडिनम में आते हैं, तो ये अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन होने का कारण क्या है, एक तो इसका अपना सिक्रीशन होता है, इसके दीवार पर जो है ढेर सारे ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, उसका सिक्रीशन होता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो गॉल ब्लैडर से जो निकलता है ना आपका पीत, जिसको बाइल कहते हैं, वो देखो यहाँ पर दिख रहे होंगे आप, 2 नली है यहाँ पर, एक इधर से कॉमन हिपैटिक डक्ट है और एक इधर से सिस्टिक डक्ट है। ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है ये यहाँ पर, ये जो इलाका है, ये इलाका है आपका लीवर का, तो लीवर का जो ग्लैंड जो आपका डक्ट है उसका नाम था कॉमन हिपैटिक डक्ट, वो आकर खुला है गॉल ब्लैडर के किसमें, डक्ट में। गॉल ब्लैडर में जो है ना, ऐसे जब हम खाना नहीं खाते हैं, नॉर्मल हमारा बॉडी नॉर्मल रूप में रहता है, तो क्या होता है कि जो हमारे लीवर है ना उसमें से हमेशा बाइल सिक्रीट होते रहता है, और वो बाइल जो है ना कॉमन हिपैटिक डक्ट से होते हुए किसमें जाके जमा हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। ये गॉल ब्लैडर उसको कंसंट्रेट करता है और फिर जो है ना समय समय पर इसको भेजता है, कहाँ पर, आपके डियोडिनम में। तो ये जो आपका है, देखो यहाँ पर ये जो आपका लीवर का जो गॉल ब्लैडर का आया है नली, वो डायरेक्ट आकर खुल गया है कहाँ पर, डियोडिनम के बीचों बीच करीब करीब। लेकिन उसके पहले एक और रचना देख रहे होंगे, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को भी हम 3 भाग में बांटते हैं, ये आगे का रीजन है हेड, ये बीच का भाग है बॉडी, और पीछे का भाग है टेल, ठीक है। ये जो आपका पैनक्रियाज है उसमें से देखो 2 नली निकला है,
पेनक्रियास से दो नली निकला है, लीवर से एक नली निकला था जो अंततः गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ था, और दोनों के दोनों गॉल ब्लैडर और लीवर का एक ही नली है जिससे अंततः यहाँ बाइल आ जाता है। लेकिन जब हम पेनक्रियाज में देखते हैं तो पेनक्रियाज में दो नली है, एक नली जो है ना वो पहले निकला है, देखिए एक नली जो है ना डायरेक्ट जाके मिल गया है किसमें, ओसोफेगस में, और सॉरी ड्यूओडेनम में, ड्यूओडेनम में डायरेक्ट मिल गया है, और किसके पहले खुला है, जहां पर लीवर और पेनक्रियाज एक साथ खुल रहे हैं उनके जस्ट पहले खुल गया है। देख लीजिए दो चीज और यहाँ पर देख रहे होंगे, रबड़ जैसा कुछ लगा हुआ है, इधर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो है ना पेनक्रियाज से देखिए पेनक्रियाज का जो नली आ रहा है यहाँ पर जो है ना रबड़ जैसा कुछ है, ठीक है, और इधर से आ रहा है लीवर का और किसका गॉल ब्लैडर का, वो भी आपका यहाँ पर रबड़ जैसा कुछ है। तो ये जो है ना ये है क्या स्फिंक्टर मसल्स हैं जो क्या करता है वन वे रूप में काम करता है, मतलब पेनक्रियाज से इसमें तो आ सकता है सिक्रीशन लेकिन इसमें से वापस पेनक्रियाज में नहीं जा सकता। इसी तरह से पेनक्रियाज का जो है ना एक और नली है एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट जो क्या हुआ है पहले खुल गया है, किसमें ड्यूओडेनम में, इन दोनों के खुलने के पहले, ठीक है। तो देख लो आप यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है पेनक्रियाज, इसलिए जिनका पेनक्रियाज में समस्या होता है उनको आपका शुगर का तो समस्या होता ही होता है प्लस डाइजेशन का भी समस्या जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि डाइजेशन में बहुत मदद करता है। अब हम बात आगे करेंगे, ये आपको हम बता दिए कि ड्यूओडेनम का क्या, ड्यूओडेनम जो था उसमें आपका कैसे आकर कौन खुला था, पेनक्रियाज खुला था। तो ड्यूओडेनम के बारे में जब हम आ रहे थे तो पढ़े थे कि ये जे शेप्ड होता है, ठीक है, और ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका लेंथ जो होता है करीब 25 सेंटीमीटर होता है, और अर्थात ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। लेकिन सबसे छोटा पार्ट तो है ये, लेकिन सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ये भी ध्यान रखना है, ये मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन भाई, ड्यूओडेनम, आपको बताए थे। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं कि ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, मतलब थोड़ा इसमें मूवमेंट ज्यादा हो सकता है बाकी के तुलना में। तो अब हम आगे बढ़े, ड्यूओडेनम के बाद आगे बढ़ते हैं, ड्यूओडेनम का फिगर हो गया। ये जो ड्यूओडेनम होता है उसमें आपका जो सिक्रीशन आता है किसका किसका आ गया, अब हम फिर से बोल दे रहे हैं, एक तो उसका जो आपका दीवार पर जो ग्लैंड्स होते हैं किसके, ड्यूओडेनम के दीवार पर जिसको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं उसका सिक्रीशन आता है, सकस इंटेरिकस जिसको बोलते हम पढ़ेंगे आगे, एक तो उसका सिक्रीशन आता है, दूसरा देखो पेनक्रियाटिक डक्ट से आता था, पेनक्रियाज से आता था डायरेक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, और तीसरा है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा लीवर और पेनक्रियाज दोनों का मिला जुला आता है, ठीक है। तो एक तो पेनक्रियाज से आया डायरेक्ट है ना, जिसमें कोई नहीं था टच था, वो पहले खुला था, याद कीजिए यहाँ पर वो पहले खुल गया था, और दूसरा जो है ना दूसरा आपका हिपैटो पेनक्रियाटिक मतलब लीवर, हिपैटो मतलब होता है लीवर, लीवर और पेनक्रियाज दोनों का ओपनिंग एक साथ मिलकर आकर खुलता है, किसमें, ड्यूओडेनम में। तो ये हम आपको बता रहे थे कि ड्यूओडेनम जो है उसमें आपका कहां कहां से सिक्रीशन आता है, एक तो उसके दीवार से आता है, दूसरा पेनक्रियाज से आता है डायरेक्ट, और तीसरा जो है ना पेनक्रियाज और लीवर का मिला जुला दोनों का आता है एक साथ। अब हम आते हैं यहीं पर लिखे हैं कि ये जो है ना मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ फॉर डाइजेशन है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करते हैं जेजुनम का, जेजुनम जो होता है वो ड्यूओडेनम के नीचे होता है, इसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर होती है, अर्थात ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का 2/5 रीजन होता है, किसको छोड़कर, ड्यूओडेनम को छोड़कर, रिमेनिंग जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूओडेनम को छोड़कर उसका आपका 2/5 फिफ्थ होता है, ये थिकर होता है, ठीक है, काफी मोटा होता है ये भी, और मस्कुलर होता है किसके तुलना में, इलियम के तुलना में, जस्ट इसके नीचे का जो रीजन है या जो भाग है उसको बोल रहे हैं इलियम, तो इलियम के तुलना में इसका दीवार थोड़ा मोटा होता है और ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, प्लस ये वाइट भी होता है, उसके तुलना में थोड़ा चौड़ा भी होता है, इसका जो डायमीटर होता है करीब 4 सेंटीमीटर होता है। अगला आते हैं इलियम में, इलियम जो है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है।
आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो तो आपको हम बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा जो भाग होता है उसका नाम है क्या भाई? डियोडिनम। तो सबसे छोटा जो भाग है उसका नाम है डियोडिनम, ठीक है, और सबसे जो बड़ा भाग है उसका नाम है इलियम। इलियम जो होता है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का 3/5 भाग होता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ना थोड़ा पतला होता है या नैरोअर होता है किसके तुलना में? जेजुनम के तुलना में, और इसका जो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर है, जबकि देख लो ये जो आपका जेजुनम है उसका करीब 4 सेंटीमीटर है डायमीटर में। अब हम बात बताए थे कि ये ओपन होता है कहाँ पर, वो बात करते हैं। तो ये जो है ना लास्ट में जाकर खुलता है लार्ज स्टाइन का सीकम में, और ये जो लार्ज स्टाइन का सीकम है वहां पर जो ओपनिंग इसका था उसका ओपनिंग का नाम है इलियोसिकल अपर्चर, जो कि इलियोसिकल वर्ब के द्वारा गार्डिंग होता है। और ये क्या करता है, ये जो ओपनिंग है इसका जो वल्व है वो खुलता है सिकम के तरफ। सिकम के तरफ खुलने के कारण ये जो भोजन है एक बार जो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है वो दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं लौट पाता है। हाँ, जो एक बार लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, सिकम में चला गया, वो दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं लौटता है। किसके कारण? तो एक आपका वहां पर दरवाजा जैसा होता है, आप देखे होंगे आपके घर में भी दरवाजा होगा या कहीं भी पढ़ते होंगे वहां दरवाजा देखे होंगे, तो ये जो डोर होता है उसका ओपनिंग या तो आउटसाइड की तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है। तो अंदर अगर आपके रूम की तरफ है तो वैसे ही समझ लो, सिकम जो है ना एक रूम समझ लो, तो उसी की तरफ अंदर की तरफ है। तो गली से जो हम घुसे ना रूम में, तो इसका ओपनिंग जो है ना, इसका जो आपका वॉल्व है वो किधर की तरफ खुलेगा? अंदर की तरफ खुलेगा। अतः अंदर, बाहर से अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन अंदर से अगर बाहर आना चाहे दरवाजा क्या होगा? बंद हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्व बंद हो जाएगा। इसलिए एक बार कोई भी भोजन का पार्ट जो चला जाता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, वो दोबारा वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं लौटता है। अब यहाँ पर एक और बात है भिलाई का। भिलाई जो होता है वो क्या है? भिलाई के बारे में हम लोग थोड़ा सा पीछे भी हम लोगों को पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर जो है ना आप भिलाई को डिटेल से देख लेते हैं। भिलाई जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में लाइनिंग एपिथेलियम से बनता है या निकलता है। ल्यूमेन समझते होंगे, कोई भी आपका रचना जो है, ऑर्गेन है, उसके अंदर में जो जगह होता है उसी को ल्यूमेन कहते हैं। तो ल्यूमेन क्या है? कैविटी या आपका स्पेस होता है किसी ऑर्गेन के अंदर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रूम ले लो, तो रूम का दीवार जो होता है, वॉल होता है, उसको समझ लो किसी ऑर्गेन का वॉल, और रूम के अंदर में जो जगह होता है उसको ल्यूमेन समझ लो उसका, ठीक है। तो ल्यूमेन क्या हो गया? किसी ऑर्गेन के अंदर जो स्पेस होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। यहाँ पर भिलाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो पाया जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में। इसमें डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव दोनों एरिया बढ़ा देता है ये, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके बढ़ाने के चलते डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से हो पाता है, और तो एब्जॉर्प्शन भी डाइजेस्टिव भाग का या डाइजेस्टिव फूड का ठीक से हो पाता है। अब हम इसमें लिखे नोट में थोड़ा सा कि जो विलाई होता है, सबसे बड़ा विलाई और सबसे ज्यादा घना रूप में पाया जाने वाला विलाई कहाँ होता है? जेजुनम में होता है, अर्थात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे एक्टिव रीजन जो होता है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, वो होता है जेजुनम। सबसे एक्टिव साइट होता है डाइजेशन के लिए कौन? डियोडिनम। और सबसे एक्टिव साइट होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो कौन होता है? जेजुनम। अब हम थोड़ा सा जो है ना आपका एक फिगर का बात कर लें, विलाई होता कैसा है। देखो ये आपका वाल हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल है उसमें से कुछ अंदर की तरफ देखो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही हम क्या कर रहे हैं? आपको ये विलाई कह रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा भिलाई के बारे में हम अगर बात करें, तो भिलाई के लेंथ वगैरह का अगर हम बात करें तो कैसे अंतर या क्या करता है? देखो अगर रियली में हम लंबाई का बात करें, इसका एरिया कैसे बढ़ रहा है, तो देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बढ़ गया, ये एरिया ऐसे बढ़ गया और ये एरिया बढ़ गया। लेकिन अगर ये नहीं होता तो क्या होता? देखो ये नहीं होता तो सिर्फ इतना ही दूर का एरिया होता,
तो ये जो है ना इसका एरिया जो देख लो इतना दूर है, लेकिन उसके जगह पर क्या हो गया, ये केवल एक ही बल भाग रहता। अगर ये भिलाई अगर नहीं होता तो क्या होता, केवल इतना ही भाग होता आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन भिलाई के रहने के कारण देखो ये एरिया जो है ऊपर का ये बढ़ गया और ये जो है ना नीचे का एरिया बढ़ गया। तो देखिए इतना छोटा जगह में ही इतना बड़ा एरिया हो गया, कई कई करीब करीब जो है ना दुगना ही नहीं बोलेंगे, कई कई जो है ना कई गुना, चार पांच गुना जो है ना ये आराम से बढ़ा देता है किसका, सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे फायदा क्या होता है, डाइजेशन ज्यादा बढ़िया से हो पाता है और एब्जॉर्प्शन भी पर्याप्त मात्रा में हो पाता है। ल्यूमेन समझ रहे, अंदर का जगह हो गया, विलाई आपको दिखा दिए। अब हम आपके मन में आ रहा होगा कि वो तो आप स्केच डायग्राम दिखाए, थोड़ा सा फिगर अगर हमारे बॉडी के अंदर का देखना चाहिए तो कैसे डायग्राम से देख सकते हैं। देखो ये जो है ना ये आपका नेचुरल फिगर है, नेचुरल अगर हम लेंगे उसको रंग के तो ऐसा नजर आता है, ठीक है, और अगर उसको डायग्राम स्केच डायग्राम बनाओगे तो ऐसा नजर आता है। ये सब भिलाई है, ये आपका दीवाल है किसका, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसमें देखो ये सब ग्लैंड्स है, हाँ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है। इसमें देखो ये एक गड्ढा जैसा है बीच बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल क्रिप्स बोलते हैं। आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में हम, फिलहाल हम यहाँ पर आपको भिलाई दिखाना चाह रहे थे कि भिलाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या स्थिति में है। थोड़ा सा अगर आप लोग जो है ना मीट वगैरह खाते होंगे या किसी एनिमल्स के इंटेस्टाइन को देखे होंगे तो उसको उल्टा जाता है, जब उल्टोगे ना उसको खोल के जब उल्टोगे ना तो ऐसा कुछ देखो रचना नजर आता है, ये फोल्डिंग नजर आ रहा है, ये भिलाई वगैरह का है, ठीक है। तो ये इससे देखो क्या हो गया, इसका एरिया सबका बढ़ गया कितना, ये आपको अंदर का इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट को हम लोग देखना चाह रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े तो अब अगला जो हमारा है बात, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी पार्ट था वो करीब करीब हम लोग उसको डील कर लिए थे, और अगर आपको याद होगा तो आपको बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका सबसे अंतिम जो पार्ट था उसका नाम था इलियम, और इलियम जाकर खुलता कहाँ था, तो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता था, और लार्ज इंटेस्टाइन में जहां जाकर वो खुलता था उस भाग का नाम था सीकम। तो सीकम क्या है, एक वेंटर था, चैम्बर था देखो यहाँ पर, जिसमें जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम खुलता था। सीकम जो है उसी से नीचे की तरफ एक छोटा सा जो है ना रचना बाहर निकलता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स होता है, वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है एक करता क्या था, तो अगर हम लोग जो है ना अनपचा क्या करते थे, खाते थे ग्रासेस को, मतलब सॉरी जो बिना बॉयल का या बिना जो है ना उसको पकाए हुए, मतलब कर सकते हो कच्चा जो घास खाते थे उसको ये पचाने में मदद करता था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन अब तो हम कच्चा घास खाते नहीं है, इसलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम हमें नहीं बचा है, लेकिन फिलहाल इसमें लिम्फॉइड टिश्यू पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, तो ये डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है, इसीलिए लोग इसको क्या बोल देते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं या स्ट्रक्चर बोल देते हैं। आपका सीकम जो है ना इसका भी काम था वही डाइजेशन करने में मदद करता था, लेकिन चूंकि हम लोग में अब इसका कोई रोल नहीं बचा है तो ये सिकम और अपेंडिक्स जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये दोनों जो है हम लोगों में क्या कहलाता है, ये हम लोगों में ये दोनों को हम वेस्टिजियल ऑर्गन या स्ट्रक्चर कहते हैं, सिकम को और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को। इसलिए कई बार जो है ना किसी का पेट का ऑपरेशन अगर हुआ हो तो डॉक्टर बोलता है कि आपका क्या करते हैं अपेंडिक्स में निकाल ही देते हैं ताकि क्या हो आगे चल के समस्या ना हो, लेकिन वैसे लोगों को मना करना चाहिए अपेंडिक्स को निकालने से, क्योंकि अपेंडिक्स को निकालने से क्या होता है, इसको जलाओ तो बाबू, अपेंडिक्स को निकालने से क्या होता है, अपेंडिक्स जो है ना ठीक है डाइजेशन में कोई रोल नहीं है इसका, लेकिन अपेंडिक्स का रोल जो है ना, उसको बंद कर दो, अपेंडिक्स का रोल जो है ना बहुत बड़ा है कोशिश में भाई, आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देने में, मतलब ये आपके बॉडी को बचाता है किससे बाबू, पैथोजन से, डिजीज से, तो मतलब इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम के लिए आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का बहुत बड़ा रोल है, तो इस तरह से इसको बाहर नहीं निकलवाना चाहिए। हाँ कभी ऑपरेशन हो तो अगर कोई इससे समस्या नहीं है तब तो नहीं निकालना चाहिए, लेकिन कई बार इसमें क्या होता है बैक्टीरिया आ जाता है
जो नहीं मर पाता है यहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यू से या WBC वगैरह नहीं मार पाता है, उसको एंटीबॉडी नहीं मार पाता है, तो यहाँ पर क्या करता है वो इसमें इन्फ्लामेशन दे देता है, सूजन दे देता है, इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है और इस घटना को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस जो होता है वो खतरनाक स्थिति है, उसमें क्या करना चाहिए, जब अगर अपेंडिसाइटिस हो गया है और अगर दवा से ठीक नहीं हो रहा है तब तो इसको जल्दी से जल्दी निकलवा लेना चाहिए। क्यों, अगर इसको नहीं निकलवाएंगे तो ये क्या हो सकता है, बस्ट हो सकता है, फट सकता है, और अगर आपके इंटेस्टाइन ये अगर फट जाए वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स तो आपकी जान जा सकती है या चली जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स क्या है उसका बात किए। कई बच्चा बोलता है या कई लोग बोलते हैं कि हमको अपेंडिक्स हो गया है, क्या ये कहना सही है क्या? नहीं, अपेंडिक्स हो गया है ये कहना सही नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स तो सब में होता ही होता है। ठीक है, और वर्मिफॉर्म लिख रहे हैं, वर्मिफॉर्म का मतलब क्या होता है, क्रीमीनुमा, है ना, क्रीमी ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और उसको क्या बोलते हैं, वर्म लाइक वर्मिफॉर्म, वर्म लाइक, हाँ, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का नाम है। तो अपेंडिक्स जो है ना ये क्या है, ये अपेंडिक्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो क्या है भाई, बंद है अंदर से, नीचे से ब्लैंक है एकदम, नीचे से देखो ये क्या है, बंद है एकदम इधर से। तो ये दोनों का रोल जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों में कोई खास नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोले थे, वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन रियली में वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का रोल है किसमें बाबू, बॉडी के प्रोटेक्शन में। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, जब सिकम से ऊपर बढ़ते हैं तो दूसरा आता है पार्ट आपका कोलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट हो गया सिकम, सेकेंड हो गया कोलोन और थर्ड हो गया रेक्टम। ठीक है, ये तीन भाग में इसको बांट सकते हैं, किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब कोलोन भी कम से कम चार भाग में बटा होता है, या चार आपको पार्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन जो होता है देखो, वो आपका ऐसे बॉडी के क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेस में, ये किस तरफ में, दाहिने की बाएं, दाहिने की तरफ से, याद रखिएगा, ये अपेंडिक्स जो है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है वो आपका दाहिने तरफ, जहां पर पेट आपका पैर के साथ जुड़ रहा है उस कॉर्नर पर है ना, पेट पैर के साथ जहां पर जुड़ता है ना उस कॉर्नर से, और फिर उससे ऊपर की तरफ उठता है। ध्यान रखना है एकदम कि ये जो है ना आपका, हम फिर से बोलना चाहेंगे, ये जो आपका रीजन है, ठीक है, तो रीजन जो है पेट का, उसमें क्या होता है, यहां से ये जो है ना दाहिने साइड में, ये जो दाहिना साइड है जहां पर पेट जो है ना वो आपका मिल रहा है किसके साथ, पैर के साथ, यहां यहां पर जो है ना अपेंडिक्स का इलाका है, और यहां पर अगर दर्द हो रहा है बार बार तो ये अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्स तो है ही सब में, अपेंडिसाइटिस है। अब यहाँ पर सिकम होता है और यहाँ पर अपेंडिक्स है, अब इसी से ऐसे असेंडिंग कोलोन जो है ना चढ़ता है। तो असेंडिंग कोलोन क्या है, असेंडिंग कोलोन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन का पार्ट है जो क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, एब्डोमेन में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये आपके कोलोन का सबसे छोटा भाग है, हाँ, कोलोन का सबसे छोटा पार्ट है। उसके बाद यहाँ आने के बाद इस तरह से ऐसे दाहिने से बाएं की तरफ जाता है ऐसे कोलोन का पार्ट, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। तो ट्रांसवर्स कोलोन जो है ना ऐसे मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाता है जिसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे एस आकार का हो जाता है, यहाँ पर ऐसे एस आकार का हो जाता है कोलोन, और इसको सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं, जो अंतर रेक्टम में शरीर के बीचों बीच चला जाता है, मिड में, क्या, पोस्टीरियर रीजन में। तो आपको हम यहाँ पर बता रहे थे कोलोन के बारे में। तो कोलोन में जो है ना आपको ध्यान में रखना है कि कोलोन को कम से कम चार भाग में बांटा जाता है, किसके आधार पर, उसके पोजीशन के आधार पर या उसके स्थान के आधार पर। तो कोलोन का वह पार्ट जो आपका सिकम से ऊपर की तरफ चढ़ता है उसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। ये आपका करीब 15 सेंटीमीटर का होता है। ट्रांसवर्स कोलोन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, कोलोन का, ये करीब 50 सेंटीमीटर होता है। डिसेंडिंग कोलोन जो होता है ना वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है, कहाँ से, बाएं तरफ से आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, ये करीब 25 सेंटीमीटर होता है। और सिग्मॉइड कोलोन जो है ना ऐसे घुमावदार हो जाता है, हाँ, बाएं तरफ नीचे उतरा और उतरने के बाद क्या होता है, वो आपका ऐसे घूम जाता है बीच की तरफ, तो इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन। ये भी आपका करीब 40 सेंटीमीटर होता है। अब हम बात करते हैं रेक्टम में आ जाते हैं, रेक्टम से फिर एनल कैनाल और एनस में आ जाते हैं। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का भाग था।
इसमें इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं? इसका साइज जो होता है ना वो इसमें महत्वपूर्ण होता है, लंबाई जो होता है वो काफी छोटा होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो फिर इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? लार्ज का मतलब क्या होता है, वो आपका आकार में जो है ना वो आपका लॉन्ग लंबाई से मतलब नहीं है उसको, बल्कि उसको आपका डायमीटर से मतलब है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के तुलना में काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन नाम पड़ा है। हाँ, इसके डायमीटर से ही नाम पड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसमें इसका काम क्या है भाई, इसमें देख रहे हो ना कुछ उभार जैसा ऐसे ऐसे है, है ना, उभार उभार जैसा है ऐसे ऐसे धसा और उभार है, फर ग्रुव है और क्या है फरो है, हाँ, ग्रुव है ना और क्या है आपका वो आपका प्रोट्यूबरेंस है। तो ये जो है आपका रीजन में इसमें जो उभार है और जो धसाव है इसके कारण ये क्या करता है, भोजन को भोजन में से जो आपका अनपचा जो भोजन बचा वही इसमें आएगा, जो भोजन पच चुका है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं फूड आइटम होते हैं वो सिकम में आते हैं, सिकम से फिर ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका जो भी आपका एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको सरप्लस वाटर होगा उसको ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है और कुछ बैक्टीरिया को रखता है जो कुछ विटामिन्स को भी बनाता है और मिनरल्स और विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो मेनली इसका काम क्या है, सरप्लस वाटर जो होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट में उसको एब्जॉर्ब करना और जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट या जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको कन्वर्ट कर देना रेक्टम तक आते आते किस रूप में, फीसेस के रूप में या मल के रूप में। तो ये आपको हम लार्ज इंटेस्टाइन का बारे में बता रहे थे। तो लार्ज इंटेस्टाइन का देख लो, आप देखे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो आपका 7 मीटर तक है और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो करीब 1.5 मीटर है, समझ लो कितना छोटा है। क्वाड ट्यूबुलर ये भी है लेकिन ये वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसको ये भी 3 भाग में बटा होता है, सिकम कोलोन रेक्टम। सिकम जो होता है वो छोटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। सिकम का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 6 सेंटीमीटर होता है, 6 cm डायमीटर जो है ना देखो ज़्यादा है, हाँ वेटर इसलिए बोले इसको चैम्बर बोल रहे हैं, डायमीटर इसका ज़्यादा है और इसका लेंथ क्या है कम है। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में आपको बताया था कि वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है उसके वो आपका कैसा होता है, स्मॉल होता है और ट्यूबुलर होता है, ठीक है, प्लस ब्लाइंड आउटग्रोथ होता है। ब्लाइंड का मतलब क्या बोल रहे हैं कि आगे में जाकर वो बंद हो जाता है, ये आपको हम बताए थे। इसकी लंबाई जो होती है ना वो करीब करीब 8 से 10 सेंटीमीटर होती है और ये इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होता है। लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब अभी आप समझ लो वैसा टिश्यू जिसमें लिम्फ सेल्स होते हैं। लिम्फ सेल्स का मतलब है WBC वगैरह से मेनली संबंध यहाँ पर है, ठीक है। तो वहाँ पर WBC वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें फिर लिखे हैं कि ये जो होता है इसमें अगर सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, तो इसको कहते हैं क्या बाबू, इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स में अगर जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस और ये मेनली बैक्टीरिया से होता है। इसी में नीचे एक और लिखे हैं अपेंडिक टॉमी मतलब रिमूवल करना, काट कर अपेंडिक्स को हटा देना, क्या कहते हैं अपेंडिक टॉमी। तो अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन आप लोग सुने होंगे क्या होता है उसको बोलते हैं अपेंडिक टॉमी। टॉमी मतलब काट के काटना, ध्यान रखना टॉमी मतलब काटना अपेंडिक्स को। ये यहां तक हम पढ़ रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अब आगे बढ़ते हैं तो लिखे हैं कि सिकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गेन माना जाता है, किसमें, ह्यूमन में, क्यों, क्योंकि डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। कोई पूछे कि क्या बॉडी में और कोई काम है क्या, तो बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए, आपके बॉडी में प्रोटेक्शन देने के लिए, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं और कोई, या फिर अगर बाहर से कोई और भी दुश्मन आता है फॉरनर एंटीजन के रूप में तो उसको ये क्या करता है, ख़त्म करने में मदद करता है। भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आ गया तो उसको भी, और अगर ब्लड में आया तब भी ये मदद करता है, ये छावनी है एक तरह से सेना का।
अब हम बात करते हैं कोलोन का। कोलोन जो होता है वो लॉन्ग होता है ना, सेकुलेटेड पार्ट है। सेकुलेटेड मतलब समझे ना, जिसमें ऐसे ऐसे निकला हुआ हो, सेकुला निकला हुआ हो, बाहर निकला हुआ हो। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, सबसे बड़ा पार्ट है। देखे थे हम लोग, ये जो है ना चार भाग में क्या था, बटा हुआ था, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, पेल्विक, सिग्मोइड, कोलोन। और सबसे छोटा जो इसका भाग था उसका नाम कौन था, असेंडिंग कोलोन। जबकि सबसे बड़ा जो भाग था वो कौन था, ट्रांसवर्स कोलोन। ये आपको हम वहां पर किए हैं। अब देखो थोड़ा सा जो है ना, हम फिगर देखते हैं, कंप्यूटराइज देखते हैं। तो उसमें देखो ये आपका सिक्कम था, ये इलाका है सिक्कम का। देखो ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, और ये देखो ये इलियम आकर खुल रहा था, ठीक है, इलियम आकर खुला है, काट के हटाए हैं यहाँ से। अब ये अंदर में देखना चाह रहे थे, देखो ये आपका है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन ये हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलोन है। ये कहाँ बताया आपको, बायां तरफ बता रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर बायां तरफ आपका एब्डोमेन जो है ना पैर के साथ ज्वाइंट हुआ है, उसका बात बता रहे थे। अब ये देख लो, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन से जो है ना वो आपका डिसेंडिंग कोलोन में आ गए, और डिसेंडिंग कोलोन से फिर जो है ना आपका ये सिग्मोइड हो गया। देखो ये सिग्मोइड करीब 40 सेंटीमीटर हम पीछे बताए थे इसको, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका। ये सिग्मोइड कोलोन ऐसे है, वो घूमकर आ गया रेक्टम में, और अंततः बीच से बीचों बीच जो है ना आपका बॉडी के आ गया ये, ठीक है। लेफ्ट साइड से सिग्मोइड कोलोन इसको कहाँ ले आया, बीच में ले आया, और ये रेक्टम में यहाँ पर जो है ना वो फिशेस वगैरह स्टोर होता है टेम्पोरारी। और यहाँ पर देखो ये नली है जिसको एनल कैनाल बोलते हैं। एनल कैनाल पर जो है ना दो तरह का स्फिंक्टर मसल्स होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो आपका क्या होता है, आपके मन से काम नहीं करता, मतलब इनवोलेंट्री होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल होता है ये क्या होता है, ये वोलेंट्री होता है, मतलब हमारे मन के अनुसार ये खुलता है और बंद होता है, और समय समय पर डिफिकेशन में मदद करता है, मतलब रिमूवल ऑफ फिसेस में मदद करता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या रचना होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन का अगर बात करोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहला रचना है उसमें है होस्ट्रा। होस्ट्रा क्या था, होस्ट्रा के बारे में थोड़ा सा समझ लो। होस्ट्रा जो है ना वो आपका स्मॉल आउट पॉकेटिंग है जो आपका कोलोन के आपके दीवार पर पाया जाता है। हम आपको पहले भी बताए थे और फिगर भी बनाए थे, यहाँ पर देख लो इसको होस्ट्रा कह रहे हैं। ये जो है ना ये जो आउट पॉकेटिंग है बाहर की तरफ जो निकला हुआ है इसी को होस्ट्रा कह रहे हैं, ठीक है। अब होस्ट्रा जो है ना इसके चलते ये लगता कैसा है, सेकुलेटेड नजर आता है, ठीक है, धसा हुआ उभरा हुआ, धसा हुआ उभरा हुआ जैसा नजर आता है। दूसरा है इसमें टीनी कोलाई। टीनी कोलाई जो होता है ना तीन लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं किसका, स्मूथ मसल फाइबर्स का, जो कि आपका कोलोन के दीवार पर पाए जाते हैं। देखो ऐसे इसके दीवार पर लॉन्गिट्यूडनल जो है ना आपका पाया जाता है क्या, फाइबर्स, जिसका नाम क्या है, टीनी कोलाई। टीनी कोलाई की संख्या कितना होता है, तीन होता है, तीन बैंड होता है लॉन्गिट्यूडनल का। उसके बाद ये खत्म हो गया कोलोन। तो सबसे पहला क्या था लार्ज इंटेस्टाइन में, सिक्कम। दूसरा क्या पढ़े हम, कोलोन। अब तीसरा बात करते हैं रेक्टम का। ये जो रेक्टम है, रेक्टम जो है वो आप देखे भी होंगे ये फनल शेप्ड है, कीप नुमा है, ठीक है, ऊपर में ब्रॉड है और नीचे में क्या है आपका छोटा पतला सा है, ठीक है। अब वहां पर जब आते हैं हम उसमें रेक्टम में, तो ये जो है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है आपका पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, या कह सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन का और कोलोन का। इसका लेंथ कितना होता है, करीब 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। पोस्टीरियर की तरफ एक ओपनिंग, एक आपका नैरो ट्यूब में ये जाके खुलता है जिसका नाम है एनल कैनाल। एनल कैनाल कुछ लोगों का कहना है कि इसी का पार्ट है, ये करीब 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो कोलोन होता है, कौन एनल कैनाल के बारे में कह रहे हैं ना, और ये जो कोलोन होता है वो उसका काम क्या था, वो हम आपको बताए थे कि सरप्लस वाटर जो होता है डाइजेस्टिव वेस्ट में से उसको क्या करना, ले लेना, और जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको सेमी सॉलिड फीसेस के रूप में या स्टूल के रूप में बदल देना। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो है एनस का।
एनस क्या है? पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द गट। एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग जो था आपका गट का, सबसे अगला जो आपका ओपनिंग था गट का, उसका नाम था माउथ। जबकि पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग जो है गट का, उसका नाम है एनस। एनस जो होता है वो गार्डेड होता है किसके थ्रू? स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। और ये स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं, स्फिंक्टर मतलब समझे ना, ऐसे बंद करने वाला, हम आपको पहले भी बताए होंगे, रबड़ जैसे होता है ना, हेयर बैंड जो लगाते हैं ना लोग, वो ऐसा कुछ होता है, या ये जो हम लोग बैंड बांधते हैं ना हाथ पे, तो ऐसा कुछ होता है मसल्स स्फिंक्टर। ये क्या करता है? उसको नैरो करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, किसी ओपनिंग को बंद करता है। तो स्फिंक्टर जो था वो दो प्रकार का था, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर, आपको हम यहाँ पर दिखा भी रहे, देखो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, और एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है इसके अंदर में। इंटरनल है वो अंदर से है, तो एक्सटर्नल तो आपको हम दिखा सकते हैं, इंटरनल तो नहीं दिखा सकते यहाँ पर बिना काटे हुए। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो कैसा होता है? इनवॉलंटरी, जबकि एक्सटर्नल जो होता है वो वॉलंटरी होता है। अब हम करीब करीब आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो है ना फिगर या स्ट्रक्चर आपको बता दिए। किसी को अगर कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आराम से यहाँ तक पूछ सकते हो। गट में है हिस्टोलॉजी ऑफ द गट, है ना। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब हिस्टो शब्द लॉजी से आया है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, है ना, स्टडी अबाउट टिश्यू। तो गट में टिश्यू का जो अध्ययन करेंगे, मतलब गट का कैसा बनावट है, उसमें कितने प्रकार के जो है सेल्स हैं, कैसे उसमें लेयरिंग है, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जब भी हम अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी जब भी बात करते हैं, इसका मतलब वो एनाटॉमी से आता है। एनाटॉमी का मतलब चीर फाड़ करके, मतलब अंदर में उसको हम फाड़ के देखे हैं, उसके बाद उसका स्टडी कर सकते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ गट में अगर हम जाते हैं, तो गट के अंदर ढेर सारा आपको रचना नजर आता है। क्या क्या रचना नजर आता है, तो पहले फिगर से देख लेते हैं। एक डायग्रामेटिकल फिगर है, हम आपको स्केच डायग्राम से बनाने का कोशिश किए हैं। देखो ये आपका जो है ना, सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसका नाम है सीरोसा, ठीक है। ये जो सबसे बाहर का लेयर है उसका नाम है क्या? सीरोसा, ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे अंदर का अगर बात करोगे तो कौन है? म्यूकोसा। तो हम थोड़ा सा पहले इसका बात कर लेते हैं, ये फैला नहीं है क्या? नहीं बाबू, एक मिनट रुक जाओ। हम यहाँ पर हिस्टोलॉजी ऑफ द गट का बात करें, तो गट का जो वाल होता है ओसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, मैन में या दूसरे वर्टिब्रेट का बात करें उसमें, अदर वर्टिब्रेट्स का बात करें तो उसमें, वो आपका चार लेयर में बटा होता है, चार लेयर का बना होता है। एक है म्यूकोसा, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, और चौथा है सीरोसा। तो अभी हम यही बाहर से लेके चल रहे थे, सीरोसा जो है ना सबसे बाहर का लेयर है, उसके बाद अंदर जब घुसते हैं तो मस्कुलेरिस एक्सटर्ना है, उसके बाद सब म्यूकोसा है, और सबसे अंदर का लेयर कौन है? म्यूकोसा है। मतलब अंदर से अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट लेयर कौन मिलेगा? म्यूकोसा। दूसरा लेयर कौन मिलेगा? सब म्यूकोसा। तीसरा कौन मिलेगा? मस्कुलेरिस एक्सटर्ना। और चौथा मिलेगा सीरोसा। और बाहर से अगर जाएंगे तो सीरोसा, मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है ना, यहाँ पर लिखे हैं कि ये इनर मोस्ट लेयर है, और ये क्या करता है, आपके गट में जो स्पेस होता है जिसको ल्यूमेन कह रहे थे, उसके चारों तरफ पाया जाता है। इसको भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं, सब लेयर में बांट सकते हैं। एक है सरफेस एपिथेलियम, दूसरा है लैमिना प्रोप्रिया, और तीसरा है मस्कुलेरिस म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है सबसे अंदर का लेयर था, उसमें सरफेस एपिथेलियम है इनर मोस्ट लेयर के रूप में, जो सिंपल कॉलुनर एपिथेलियम का बना होता है, कहां से? स्टोमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में। हम फिर से बोल रहे हैं, देखो जरा सा इसको, इस पे आते हैं। हम बाहर से चलोगे तो सीरोसा हो जाएगा पहला, दूसरा कौन हो जाएगा? मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, ये जो है ना लेयर, एक मिनट रुक जाओ, है ना, ये जो लेयर है ना इसका नाम है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, ये बाहर का लेयर है, इसका नाम है क्या? सीरोसा। ये सीरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसका? आपके एलिमेंट्री कैनाल का। सेकेंड जो बाहर से अंदर की तरफ जाने पर लेयर है उसका नाम है सब म्यूकोसा, सॉरी ये मस्कुलेरिस एक्सटर्ना। उसके बाद तीसरा जो लेयर है बाहर से अंदर की तरफ उसका नाम है क्या बाबू? सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा है, और सबसे अंदर का जो लेयर है ये सबसे अंदर का लेयर का नाम है म्यूकोसा। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं, सबसे बाहर से अगर चलेंगे हम गट में तो सीरोसा, दूसरा है मस्कुलेरिस एक्सटर्ना, तीसरा है कौन? सब म्यूकोसा,
और चौथा है सबसे अंदर का लेयर है क्या, म्यूकोसा। म्यूकोसा में हम लोग देखे थे म्यूकोसा को भी तीन लेयर में बांट सकते थे। सबसे अंदर में ये देख रहे होंगे लंबा लंबा सेल्स है, ल्यूमेन को लाइनिंग किए हुए लॉन्ग सेल्स हैं। ये जो लॉन्ग सेल्स हैं ये सिंपल क्या है, कॉलुमनर एपिथेलियम है। ये जो आपके हैं ये हम लोगों में जो है ना आपका कहाँ से पाया जाता है, तो आपका स्टोमक से पाया जाता है कॉलुमनर एपिथेलियम। लेकिन वो जो ओसोफेगस है ना उसमें देखा जाता है कि कॉलुमनर एपिथेलियम के जगह पर नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम पाया जाता है। क्रिएटिनाइज मतलब क्रिएटिन पढ़ना है आपको, टिश्यू में पढ़े भी होंगे या नहीं तो फिर पढ़ेंगे भी। नॉन क्रिएटिनाइज मतलब क्रिएटिन नहीं होता है, स्ट्रेटिफाइड मतलब कई लेयर का बना हुआ, स्क्यूमस एपिथेलियम मतलब जिसके टॉप पर कौन सा एपिथेलियम सेल है, स्क्यूमस सेल्स है। और ये क्या करता है आपको रगड़ से बचाता है, किसमें, ओसोफेगस में। लेकिन स्टोमक से जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे अंदर का जो लेयर है वो आपका कैसा होता है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, सरफेस एपिथेलियम जिसको बोले थे उसमें। अब सरफेस एपिथेलियम जो है ना उस पर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस होता है ना वो आपका क्या करता है, कुछ हद तक आप पेंट जैसे करते हो ना, वो प्लास्टर पर जैसे पेंट करते हैं, तो पेंट क्या करता है आपके प्लास्टर को बचाता है इरोजन से, हाँ उसको खराब होने से बचाता है। इसी तरह से आपका मौसम पानी है धूप है वो सबसे इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से आपका ये जो म्यूकस लेयर है जो आपका सरफेस एपिथेलियम पर पाया जाता है, सबसे अंदर में पाया जाता है म्यूकोसा पर, और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है गट से। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ हम लोग मुर्गा खा जाते हैं वो भी मांस का बना हुआ है, वो पच जाता है, हड्डियां उसकी पच जाती है, तो फिर अपना जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है। तो आप आराम से बता सकते हो इसका कई रीजन है, जिसमें एक पहला रीजन जो है ना ये भी है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो अंदर से म्यूकस से क्या होता है, लाइट होता है। बार बार म्यूकस जो ना जब खराब होता है तो म्यूकस उस पर क्या होता है, निकलता रहता है, और पूरा उसको जैसे हम पेंट करते हैं दीवार का, जैसे हम दीवार पर क्या करते हैं लेयर बनाते हैं कि खराब होगा तो क्या खराब होगा, आपका पेंट खराब होगा। लेकिन अगर पेंट ना करें तो प्लास्टर खराब होगा, प्लास्टर ना करें तो क्या होगा, वाल खराब होगा, दीवार खराब होगा, और अगर उसको और छोड़ दें तो मकान खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर यही स्थिति है कि प्लास्टर क्या करता है, दीवार को बचाता है, यहाँ पर जो म्यूकस है ना वो इसके दीवार को बचाता है कुछ हद तक प्लास्टर या पेंट की तरह, और ये हमेशा निकलता रहता है और आपके इंटेस्टाइन के दीवार को अंदर से बचाता है। दूसरा जो लेयर है उसका नाम है लैमिना प्रोप्रिया, ये सरफेस एपिथेलियम के जस्ट नीचे या आउटसाइड पाया जाता है, और इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू या LCT पाया जाता है, प्लस इसमें कई प्रकार के जो है ना आपका माइग्रेंट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स है या बेसोफिल्स है या स्नोफिल है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किससे, वैसे दुश्मनों से जो आपके भोजन में आए हैं, वो जो भोजन के साथ जो आपके बॉडी के अंदर जो आ गए हैं पैथोजेंस या डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिम्स, उन सब से आपको बचाता है। तो सरफेस एपिथेलियम जो है ना उसके जस्ट नीचे में देखो ये है लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया, ये जो लैमिना प्रोप्रिया है वो लैमिना प्रोप्रिया आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स वगैरह से या पैथोजेंस वगैरह से। इसी तरह से और भी इसमें कई स्ट्रक्चर्स है, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हम आपसे अब यही चाहेंगे कि आप जो है इसको एक बार देख लो और कहीं